वेलकम बैक भाई और उनकी बहनों। आज हमारे दिन की शुरुआत अभी 1:30 बजे हुई है, बिकॉज कल जैसे आपने देखा था कि मैं लेट आया था घर पे, तकरीबन 12:15-12 बजे घर पहुंचा था, इसलिए आज लगभग मैं अभी उठा हूँ सोकर अराउंड 1 और 1:15 अराउंड। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ एंड देन मॉर्निंग स्टफ करने के बाद अभी मैं इट्स टाइम टू लीव, मैं घर से ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। सो जर्नी शुरू करते हैं, आज के दिन की शुरुआत करते हैं नए व्लॉग के साथ और फटाफट घर से निकलते हैं। सो 1:30 बज गए एंड मैं ऑफिस के लिए निकल गया हूँ। सो वॉक करके पहले मेट्रो स्टेशन जाना है जैसे हम रोज जाते हैं, देन वहाँ से मेट्रो पकड़ेंगे देन ऑफिस के लिए जाएंगे। तो ये जर्नी तो खैर रोज़ ही होती है लेकिन आज टाइम अलग है, बिकॉज रोज सुबह मैं जाता हूँ मॉर्निंग में 11 बजे 10 बजे, लेकिन आज हम 1:30 बजे जा रहे हैं। टाइम डिफरेंस है केवल, बाकी तो सब नॉर्मल है। कुछ खाया नहीं है यार, बहुत भूख लग रही है, तो जल्दी से ऑफिस पहुँचेंगे एंड देन उसके बाद खाएंगे। पहले मैं सोच रहा था कि यहाँ से ही खाते था, लेकिन मैंने बोला था कि मैं 2 बजे तक आने वाला हूँ, मैं लेट ना हूँ इसलिए टाइम पर पहुँचते हैं वहाँ पर ही करते थे। आज जो है लंच कर लेंगे, अभी जस्ट में मेट्रो स्टेशन में एंट्री ली है मैंने। अब मैं जो प्लेटफॉर्म पर जा रहा हूँ, प्लेटफॉर्म पर पहुँचेंगे धीरे पार्ट ट्रेन में। प्लेटफॉर्म पर आ गया हूँ मैं अभी जस्ट, हमारी मेट्रो है 4 मिनट वेट करेंगे देन उसके बाद जो ऑफिस जाएंगे। मेट्रो पे आने के बाद अभी मुझे 4 मिनट वेट करना पड़ेगा, बिकॉज मेट्रो हमारी 4 मिनट के बाद है, तो वेट करते हैं 4 मिनट देन उसके बाद जो मेट्रो के अंदर जाएंगे। अभी जैसी मेट्रो आई है तो मैं मेट्रो के अंदर आ गया हूँ एंड ऑफिस पहुँचेंगे। अभी जस्ट मैं मेट्रो स्टेशन से मतलब मेट्रो से उतरा हूँ, स्टेशन के से नीचे जा रहा हूँ ताकि मैं आउट करूँ एंड देन ऑफिस पहुँचेंगे। ऑफिस आने के बाद थोड़ा काम भी कर लिया मैंने, 1 घंटा हो गया मुझे ऑफिस आए हुए और नाउ आई एम फीलिंग बोर्ड, लेकिन भूख लगी है, खाना नहीं खाया। कभी जा रहा हूँ मैं खाना खाने, कुछ खा लेते हैं कल रात, कुछ नहीं खाया। अभी मैं रेस्टोरेंट में आकर लंचर में आया, ऑर्डर दे दिया मैंने मसाला डोसा मंगा, तो आज ही कल फटाफट खा के हमारा मसाला डोसा आ गया। तो मसाला डोसा आ गया आफ्टर लंच मैं वॉक करके ऑफिस आ गया, ऊपर जाएंगे बैक टू वर्क। सो फाइनली मेरा काम ख़त्म हो गया है, अभी मैं स्टेशन आ गया हूँ, स्टेशन से ट्रेन पकड़ेंगे। मैं भी ट्रेन के अंदर आ गया, मैं देख रहा हूँ कि क्या लेंस के लिए काफ़ी मज़े भी नहीं है आज, क्या लेना चाहिए वो मैं सोच रहा हूँ, अगर हम लेंगे तो गिलकी ले ली मैंने अभी एंड अब मैं जो है वापस स्टेशन जा रहा हूँ, हम ट्रेन पकड़ेंगे और अब घर जाएंगे डायरेक्ट। तो अगेन अभी हम ट्रेन के अंदर हैं एंड घर पहुँचेंगे। अभी जस्ट मैं ट्रेन से इतनी भीड़ है भाई, आज स्टेशन पर रश देखिए कितना ज़्यादा है, पूरा भरा हुआ स्टेशन। बस के क्यू में आ गया हूँ, एक बस तो अभी निकल गई जैसे दूसरी बस का वेट कर रहा हूँ, बस आ जाए बैठेंगे, लग रहा है शादी का आ रही है। बस के अंदर आ गया हूँ, फाइनली मैं घर पे आ गया हूँ एंड आने के बाद मैंने शावर ले लिया, नाउ आई एम रेडी बिकॉज खाना बनाना है। सो जो इवनिंग स्टफ होता है, जो घर का जॉब है होम जॉब, वो कंप्लीट करना है। तो मैं आज गिलकी लेके आया था, तो अभी हम गिलकी बनाएंगे, तो मैं पहले काटूंगा उसको बनाऊंगा
तो डिनर रेडी करते हैं फटाफट से, और मीन वाइल बैठे बैठे शायद बिग बॉस देख सकते हैं। मतलब देखना तो कुछ नहीं, सुनना ही है, क्योंकि चिल्लाते रहते हैं, उनको कोई काम तो है नहीं। सो विल सी, जल्दी से खाना बनाना शुरू करते हैं। दिस इज़ दी मेन्यू फॉर टुडे। रोटी है, नमकीन है एंड सब्जी है। फटाफट से डिनर कर लेते हैं, आप लोग भी अपना डिनर कर लीजिए। फाइनली डिनर हो गया है। जैसे आप मुझे देख रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रहा हूँ, क्योंकि कल भी जो है मैं लेट सोया था, मॉर्निंग अराउंड 5 o'clock सोया हूँ। मेरे फ्रेंड आया था, तो हम लोग रात को मस्ती कर रहे थे, घूम रहे थे, तो मैं सुबह 5 बजे सोया। एंड देन उसके बाद उठ के ऑफिस भी गया हूँ। 12 बजे उठा, दिन 1 बजे मैं ऑफिस गया था आज। सो नींद पूरी नहीं हो पाई है, मेरी आँख भी बहुत दर्द कर रही है। तो आज के लिए हम अपना ब्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, और अच्छे से एक पावर नैप ले लेते हैं, 8 घंटे की अच्छी नींद ले लेते हैं, क्योंकि कल वापस मुझे ऑफिस जाना है। तो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। आपको जो भी कमी लगी हो, कोई सजेशन है आपकी तरफ से, तो प्लीज़ मुझे जो है कमेंट में बताइए, एंड प्लीज़ सपोर्ट करिए। गुड नाइट टू एवरीवन।